पिछली वीडियो में इंटीजर का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं ये भी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ इंटीजर्स। तो आज हम लोग यूज ऑफ इंटीजर्स और इंटीजर को कंपेयर करना सीखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इंटीजर्स का यूज क्या है या कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं। तो अगर हम लोग इंटीजर का यूज देखें तो आप लोगों ने अक्सर लोगों को ठंडी के मौसम में बोलते हुए सुना है कि आज बहुत ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर तो 0 डिग्री से भी कम होकर के 5 डिग्री हो गया है, 0 से कम 5 डिग्री हो गया है। तो अब हम लोग इसी को, अब हम लोग अगर हमें यही टेम्परेचर दिखाना है कि 0 से घट करके 5 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो अब 0 से घट करके 5 डिग्री सेल्सियस को दिखाने के लिए हम लोग ये इंटीजर को यूज करते हैं। अब जैसे देखें हम लोग इंटीजर यूज किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। तो अगर हम लोग टेम्परेचर में देखें कि टेम्परेचर को मेजर करने में, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए या टेम्परेचर लिखने के लिए हम लोग इंटीजर का यूज करते हैं। अब किस तरह से होता है वो हम लोग देख लेते हैं। टेम्परेचर को दिखाने के लिए, तो जैसे टेम्परेचर में हम लोगों का अगर हम लोग देखें तो अगर अबव 0 है टेम्परेचर, Above 0 degree, यानी कि जो टेम्परेचर 0 डिग्री से अबव है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उसे दिखाने के लिए हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का यूज करते हैं। मीन्स अबव 0 डिग्री से टेम्परेचर दिखाने के लिए हम लोग पॉजिटिव इंटीजर का यूज करेंगे और इसके लिए हम लोग पॉजिटिव यूज करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा है तो उसको लिखने के लिए या उसको दिखाने के लिए हम लोग पॉजिटिव इंटीजर यूज करेंगे। अगर टेम्परेचर बिलो है 0 डिग्री से, यानी कि 0 डिग्री से कम है, बिलो 0 डिग्रीज, तो 0 डिग्रीज से कम टेम्परेचर को दिखाने के लिए नेगेटिव इंटीजर यूज करे जाते हैं या नेगेटिव इंटीजर यूज किए जाते हैं। तो हम लोगों का पहला यूज तो यही हो गया कि टेम्परेचर्स को दिखाने के लिए या टेम्परेचर्स के लिए हम लोग टेम्परेचर के लिए इंटीजर यूज करते हैं। अब और जगह भी देख रहे हम लोग ये यूज कहाँ कहाँ और होता है, तो चलिए और कहाँ यूज होता है देखते हैं। तो अगर हम लोग डिस्टेंस को देखें, डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी ये हमारा इंटीजर यूज होता है डिस्टेंस को दिखाने के लिए। तो हमारा डिस्टेंस में दो तरह की डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं। एक तो हम लोगों का डिस्टेंस हो गया फॉरवर्ड डिस्टेंस और दूसरा हो गया बैकवर्ड डिस्टेंस। को अगर हमारी डिस्टेंस फॉरवर्ड कवर की जा रही है या हम फॉरवर्ड डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर से दिखाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर से दिखाएंगे या इसके लिए पॉजिटिव इंटीजर यूज करेंगे। अगर वो डिस्टेंस बैकवर्ड कवर की जा रही है तो उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर से दिखाएंगे, नेगेटिव इंटीजर से शो करेंगे या लिखेंगे। तो ये हम लोगों का डिस्टेंस में भी इंटीजर्स यूज होते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो अगला हम लोग डायरेक्शंस में भी इंटीजर यूज करते हैं, डायरेक्शन में, डायरेक्शंस, यानी कि डायरेक्शंस को लिखने में हम लोग इंटीजर यूज करते हैं। डायरेक्शन हम लोगों का दो, अगर हम लोग इस पे देख लें अपना एक फिगर के थ्रू तो हम लोगों का ऐसे ही डायरेक्शन होते हैं। तो इसमें हम लोगों का ये रहा नॉर्थ और ये साउथ डायरेक्शन का। तो हम लोग अगर हम लोग ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को देखें तो जो डिस्टेंस हम लोग नॉर्थ साइड जाएंगे उसको हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं या पॉजिटिव इंटीजर से दिखाते हैं, पॉजिटिव, यानी कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में हो डिस्टेंस होगी उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से दिखाएंगे और जो साउथ डायरेक्शन में होगी उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर से दिखाते हैं, नेगेटिव इंटीजर से दिखाते हैं।
तो इस तरह से हमारा जो इंटीजर है वो डायरेक्शन में भी यूज होता है, डायरेक्शन को लिखने में यूज होता है इंटीजर। अब अगर हम लोग इसकी बात करें नॉर्थ साउथ के अलावा, तो हमारे और भी दो डायरेक्शंस हैं ना, तो वो दो डायरेक्शन कौन से हैं? ईस्ट और वेस्ट। हम लोगों का इस साइड ईस्ट होता है, EAST, ईस्ट, और इधर वेस्ट। तो हम लोग ईस्ट, इधर ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में जो दिखाएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो ईस्ट डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव इंटीजर से लिखा जाता है या दिखाया जाता है, और वेस्ट डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव इंटीजर से दिखाते हैं, नेगेटिव इंटीजर से दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारे इंटीजर्स यूज होते हैं वो डायरेक्शंस को भी लिखने में यूज होते हैं। तो हम लोग बैंक बैंक अकाउंट में या बैंक में भी हम लोग इंटीजर को यूज करते हैं। जैसे अगर हम बैंक में दो काम करते हैं, या तो पैसे जमा करते हैं या तो निकालते हैं, तो जमा करने को डिपोजिट बोला जाता है, डिपोजिट करना। तो जो मनी हम लोग डिपोजिट करते हैं उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से दिखाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे, यानी कि जो मनी हम जमा करते हैं या डिपॉजिट करते हैं उसको पॉजिटिव इंटीजर से दिखाएंगे, और जो विथड्रॉल करते हैं, विथड्रॉल, यानी जो मनी पैसे निकालते हैं बैंक से, तो उसको नेगेटिव इंटीजर से दिखाएंगे, नेगेटिव इंटीजर से दिखाते हैं। तो ये रहे इंटीजर्स के कुछ यूज, इसके अलावा भी और जगह भी इंटीजर्स यूज होते हैं, तो ये हम लोगों के मेन जो जहाँ जहाँ है वो यूज होते हैं इंटीजर्स। तो हम लोगों ने इंटीजर्स के यूज देख लिए, अब आगे हम लोग इंटीजर्स को कंपेयर कैसे करते हैं वो देखेंगे, यानी कि कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कंपैरिजन करने में सिंबल कौन से यूज होते हैं। तो हम लोग कंपैरिजन में तीन ही चीजों पे देखेंगे, या तो बड़ा है, या छोटा है, या बराबर है। तो अब अगर जैसे हमें बड़ा देखना है या बड़े के लिए सिंबल लगाना है, तो हम लोग उसके लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, ए एंड बी को, तो हमें यहाँ पे तीन ही कंडीशंस मिलेंगी, या तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो बराबर के लिए हम लोगों का ये सिंबल यूज होता है, अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तो ये सिंबल यूज करते हैं। अब अगर ए ग्रेटर है बी से, तो हम लोग ए ग्रेटर है बी से तो उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तीसरा, अगर ए छोटा है या स्मॉलर है बी से, तो फिर हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, यानी कि कंपैरिजन में हम लोग ये तीन सिंबल यूज करेंगे। ये जो पहला हमारा है इक्वल टू का है, दूसरा जो सिंबल है वो ग्रेटर देन का है, तीसरा सिंबल है स्मॉलर देन का या लेस देन का। तो अगर इसमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो छोटा होगा उसकी तरफ ये एरो जो है ये क्लोज रहेगा, ये क्लोज रहेगा, और जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये ओपन रहेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग इंटीजर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। तो हम लोगों का इंटीजर का कंपैरिजन नॉर्मल नंबर के कंपैरिजन से थोड़ा सा अलग है। तो इसमें जो हम लोग कंपेयर करेंगे, तो पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे पहले जीरो को पॉजिटिव इंटीजर से कंपेयर कर लेते हैं, फिर जीरो को नेगेटिव इंटीजर से कंपेयर कर लेते हैं, ऐसे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला, अगर हम लोग जीरो को पॉजिटिव इंटीजर से कंपेयर करें, जीरो को पॉजिटिव इंटीजर्स से कंपेयर करें, तो हम लोगों का जो ये जीरो होता है, जीरो, इन दोनों को कंपेयर करना है, यानी कि जीरो को पॉजिटिव इंटीजर से कंपेयर करना है। तो हम लोग देखेंगे कि जो जीरो होता है ना वो स्मॉलर होता है या लेस देन होता है एवरी पॉजिटिव इंटीजर से। तो ये हम लोगों का पहली कंडीशन जो हो गई कि अगर हम जीरो को पॉजिटिव इंटीजर से कंपेयर करें
यानी जीरो जो है हर एक पॉजिटिव इंटीजर से लेस होता है, छोटा होता है। जैसे अब हमें कंपेयर करना है सेवन और जीरो, यही दोनों को कंपेयर करना है। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि ये जो हम लोगों का होता है जीरो लेस देन होता है या स्मॉलर देन होता है एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग जीरो को सेवन से कंपेयर कर रहे हैं, तो सेवन जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब कि जीरो सेवन से क्या होगा, लेस होगा। तो स्मॉलर देन के लिए हम लोग सिंबल कैसे लगाएंगे, इधर हम लोग सेवन की तरफ ओपन रखेंगे ना ये, तो ये हम लोग ऐसे कंपेयर कर लेंगे। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे हमें कंपेयर करना हो 15 को जीरो से, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा जिसको जिसके साथ कंपेयर करना है वो कौन है, जीरो। तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो हमने पढ़ा है कि एवरी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब ये जो 15 है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो हम सिंबल ऐसे लगाएंगे, इसके 15 की तरफ ये ओपन रखेंगे और जीरो की तरफ ये क्लोज रखेंगे। और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमें कंपेयर करना है जीरो को 165 के साथ, तो हम लोग यहाँ पर भी जीरो क्या होगा, लेस देन होगा 165 के। तो इस तरह से हम लोग ये अपना याद रख सकते हैं कि जीरो जो है एवरी पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर होता है। हम लोगों का दूसरा जो कंडीशन है वो हम लोगों को ऐसे भी कंपेयर करना पड़ सकता है कि जीरो को नेगेटिव इंटीजर से कंपेयर करना पड़ जाए। तो अब अगर जीरो को नेगेटिव इंटीजर से कंपेयर करना हो तो फिर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जीरो जो होते हैं, जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, ये होता है जीरो। अगर जीरो को नेगेटिव से कंपेयर करेंगे तो हमेशा जीरो ही बड़ा होगा, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं सभी से बड़ा जीरो कहलाता है या होता है। तो अगर हमें जीरो को किसी नेगेटिव से कंपेयर करना हो तो हम जीरो को ही ग्रेटर मानेंगे, नेगेटिव इंटीजर जीरो से ग्रेटर नहीं होता है कभी। तो अब जैसे हमें कंपेयर करना हो जीरो को -75 से, तो हम लोगों का दो नंबर्स जिनको कंपेरिजन करना है, जीरो को कंपेयर करना है किसके साथ, 75 को। और ये जो -75 है ये एक नेगेटिव इंटीजर है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एवरी नेगेटिव इंटीजर इज स्मॉलर देन जीरो या जीरो सभी नेगेटिव से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब कि हम लोग इसको कंपेरिजन करते समय यही लगा देंगे सिंबल जीरो, ये ग्रेटर का सिंबल है, -75, तो यानी कि हम लोग लिख देंगे जीरो इज ग्रेटर देन -75। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमें कंपेयर करना हो -6 को जीरो से कंपेयर करना हो, तो फिर वही कंडीशन है, जीरो ही हमेशा बड़ा होगा हर एक नेगेटिव इंटीजर से। तो ये -6 एक नेगेटिव इंटीजर है, तो जीरो क्या होगा, ग्रेटर होगा। और ग्रेटर, जीरो को ग्रेटर करने के लिए हमें जीरो की तरफ ये ओपन रखना होगा और सिक्स की तरफ क्लोज रखना होगा। तो ये हम लोगों का ऐसे कंपेरिजन हो गया। तो हम लोग जीरो को नेगेटिव से जब भी कंपेयर करेंगे तो हमेशा जीरो ही ग्रेटर होगा। अब तीसरी कंडीशन ये आती है कि हमें पॉजिटिव को नेगेटिव से कंपेयर करना हो। तो जब हम लोग पॉजिटिव को कंपेयर करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें नेगेटिव से कंपेयर करना है इंटीजर्स। तो अब हम लोग ऐसे कंडीशंस में जब पॉजिटिव को नेगेटिव से कंपेयर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही ग्रेटर होगा। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये हम लोग याद रख सकते हैं अपना कंपेयर करने के लिए, यानी कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो ग्रेटर होंगे और नेगेटिव जो होगा वो स्मॉलर होगा। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं, तो अब जैसे हमें दो इंटीजर्स को कंपेयर करना है, हम लोगों का रहा 76, या चलो ऐसे छोटा नंबर लेके देखते हैं 7, और हम लोगों का रहा -1। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमें 7 को कंपेयर करना है किसके साथ, -1 के साथ। तो ये जो 7 है ये पॉजिटिव इंटीजर है,
और ये जो दूसरा वाला नंबर है नेगेटिव है, तो ऐसी कंडीशंस में हमेशा पॉजिटिव ही ग्रेटर होगा, तो हम लोग फिर ये सिंबल लगा देंगे और हम लोगों का यही ये पढ़ा जाएगा 7 इज ग्रेटर देन माइनस 1। तो जब कभी भी हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही हमेशा ग्रेटर रहेगा। अगला हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 17 है, माइनस 17 है और हम लोगों का दूसरा नंबर जो है वो है 6। तो यहाँ पर भी हमारा ये जो है नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब कभी भी हम पॉजिटिव को नेगेटिव से कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम लोगों का ये हो जाएगा माइनस 7 इज स्मॉलर देन 6। इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ये हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव का कंपैरिजन देख लिए। अगला हम लोगों का बच रहा है नेगेटिव को नेगेटिव से जब कंपेयर करेंगे तो फिर क्या होगा, यानी कि नेगेटिव को नेगेटिव से कंपेयर कैसे करेंगे, ये चीज देखते हैं। तो अब देखिए, हम लोग जब नेगेटिव नंबर्स नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव से कंपेयर करें, जैसे हमें कंपेयर करना हो माइनस 6 को माइनस 2 से, तो देखिए अब ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको आप कंपेयर करने के लिए ना कहीं रफ पे ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए या यहीं पे कर लीजिए, आपकी मर्जी। तो हम लोग ना पहले इसको बिना सिंबल के देखेंगे और जो हमें मिलेगा उसी का उल्टा सिंबल लगाएंगे। मीन्स अगर हम लोग इसको बिना सिंबल के देखें तो ये 6 है और ये 2 है, तो अब दोनों में बड़ा कौन सा लग रहा है, 6 ना। लेकिन जब हम लोग सिंबल लगाएंगे और क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो जो बड़ा दिखेगा उसको छोटा दिखाना होगा हमें, या वही छोटा होता है। अब जैसे 6 और 2 में कौन सा बड़ा दिख रहा है, 6 ना। लेकिन दोनों नेगेटिव इंटीजर होने के कारण हम लोगों का बड़ा ये रहेगा 2, तो हम लोग ऐसे सिंबल लगा देंगे। मीन्स हम लोग लिखेंगे माइनस 6 इज स्मॉलर देन माइनस 2। यानी कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 6 और 2 को कंपेयर करो, बड़ा कौन दिख रहा है, 6, लेकिन ये तब बड़ा है जब पॉजिटिव हो दोनों, दोनों पॉजिटिव है नहीं, नेगेटिव है, तो जो बड़ा दिखेगा वो छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो हम लोग ये सिंबल लगा देंगे, मीन्स 2 जो है ग्रेटर है और माइनस 6 क्या है, स्मॉलर है। एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें कंपेयर करना है 30 को माइनस 12 से। तो अभी अभी मैंने बोला कि जब हमारे दोनों इंटीजर नेगेटिव हो तो हम लोग पहले रफ पे विदाउट सिंबल का देख लेते हैं, 30 और 12 होगा, कौन सा ग्रेटर दिख रहा है, 30 ना, 30 ग्रेटर दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आएंगे दोनों नेगेटिव कंपेयर करेंगे तो इसका उल्टा सिंबल यूज करेंगे, मीन्स 30 ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग अपने इस पे आएंगे क्वेश्चन पे तो हम उलट देंगे, ग्रेटर की बजाय कौन सा सिंबल लगा देंगे, स्मॉलर का। तो ये हम लोगों का हो जाएगा माइनस 30 इज स्मॉलर देन माइनस 12। तो ये रहा हमारा कंपेयर करने का तरीका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों का ये रहा माइनस 13 को कंपेयर करना है माइनस 76 से। तो अब देखिए, ये हमारे दोनों जो है क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप रफ पे देख लो, पहले दोनों को कंपेयर कर लो, 13 और 76 बिना सिंबल के कंपेयर कर लो पहले। तो हम लोग देख रहे हैं कि 76 क्या है, बड़ा है, तो हम लोग बड़ा का सिंबल ऐसे लगाते हैं ग्रेटर देन का। लेकिन जब अपने इस क्वेश्चन पे आएंगे जहाँ पे दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो इसका एकदम उल्टा सिंबल लगाएंगे, ये देखिए 76 ग्रेटर है ना, तो हम लोग यहाँ पे 76 को क्या दिखाएंगे, स्मॉलर दिखा देंगे और फिर हम लोगों का कंपैरिजन एकदम सही हो जाएगा, मीन्स ये वाला सिंबल हम लोग लगाएंगे। तो अब हम लोगों का ये हो जाएगा माइनस 30 इज ग्रेटर देन माइनस 76। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। अब हम लोगों का चौथी कंडीशन तो पॉजिटिव की है, तो वो तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कैसे कंपेयर करना है। अब एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि ये तो हमने इस तरह से कंपेयर करना सीखा, अगर हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कंपेयर करें तो वो कैसे कंपेयर करते हैं ये देख लेते हैं। चलिए, अब तक हम लोगों ने इंटीजर्स को कंपेयर करना सीखा, अब हम लोग इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे कंपेयर करते हैं ये सीख लेते हैं। तो उसके लिए पहले हमें नंबर लाइन बनाना होगा। नंबर लाइन बनाते कैसे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके मिडिल में हम लोग
जीरो को रिप्रेजेंट, या उसमें एक जगह जीरो को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गया। अब जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लिख, ये रहा हम लोगों का ये नंबर लाइन होगी। तो अब नंबर लाइन पे कंपेयर कैसे करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग किसी भी नंबर्स को जब नंबर लाइन पे कंपेयर करना हो तो हम लोग एक ही चीज देखेंगे। जैसे अब अगर हमें ये कंपेयर करना हो 4 को 12 से कंपेयर करना हो, तो हम पहली चीज तो देखेंगे कि 4 नंबर लाइन पे है कहाँ, तो हमें दिख जाएगा यहाँ पे। अब अगर जिससे कंपेयर करना है वो नंबर इसके राइट साइड में होगा तो 4 जो है उस नंबर से छोटा होगा, अगर वो लेफ्ट साइड में रहा तो 4 क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी कि अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग देख रहे हैं 4 यहाँ पे है और 12 हमें इधर कहीं जाके, इधर ही कहीं इसको और आगे तक बढ़ाएंगे तो जाकर के हमें 12 मिलेगा इसी पे कहीं इधर। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, राइट तरफ जा रहे हैं ना। तो जब हम लोग राइट तरफ जाएंगे तो ये छोटा होगा नंबर ये वाला, तो हम लोगों का 12 इधर ही कहीं मिलेगा। तो हम लोग 12 को देख रहे हैं कि 12 जो है 4 के किधर, राइट साइड है। तो इसका मतलब कि अगर नंबर जिससे कंपेयर कर, जिस नंबर को कंपेयर कर रहे हैं अगला नंबर उसके राइट साइड है तो वही वाला बड़ा होगा, अगर लेफ्ट साइड है तो फिर छोटा हो जाता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 4 जो है, 4 यानी 12 4 के किस तरफ है, राइट साइड में है, तो इसका मतलब 4 क्या होगा, छोटा होगा। 4 इसके लेफ्ट में हो गया तो छोटा कहलाएगा। तो हम लोगों को एक ही चीज देखना है, ध्यान से देख लेंगे किस नंबर को कंपेयर करना है, 4 को किससे करना है, 12 से। तो 12 क्या है, 4 के राइट साइड है, तो जो नंबर राइट साइड होगा वो ग्रेटर होगा। तो दोनों में राइट साइड कौन सा है, 12 है ना, 12 किस तरफ है, राइट साइड है, तो 12 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे हमें कंपेयर करना है 7 को -2 से कंपेयर करना है, तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, 7 को ढूंढेंगे ना कहां पे है। तो हम लोगों का 7 ये रहा, 7 यहां पे। अब कंपेयर किससे करना है, -2 से, तो -2 7 के किधर है, लेफ्ट साइड है ना। तो लेफ्ट साइड होने के कारण ये जो -2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि जो नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो स्मॉलर होगा और जो नंबर राइट साइड में होगा वो ग्रेटर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 7 यहाँ पे है और 7 के लेफ्ट साइड में -2 है ना, इसलिए -2 क्या हो जाएगा, 7 से लेस देन हो जाएगा, ये रहा कंपैरिजन। और हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे हमें करना हो 0 को कंपेयर करना हो -2 से, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे हमारा 0 कहाँ पे है, यहाँ ये रहा 0, ये 0 है। अब हम लोग देख रहे हैं इससे कंपेयर करना है 2 से, तो अब 2 को ढूंढे किधर है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। हम लोग देखेंगे तो 0 के लेफ्ट साइड में इधर आ रहे हैं ना, इधर इस तरफ आना पड़ रहा है। तो यानी कि 0 की लेफ्ट साइड में -2 है, तो यानी कि लेफ्ट साइड में -2 मतलब -2 क्या है, वो छोटा है या लेस देन है। तो हम लोग कंपेरिजन ऐसे करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे हमें कंपेयर करना हो -5 को -1 से कंपेयर करना, तो अब हम लोग पहले देखेंगे कि नंबर लाइन पे -1 कहाँ पे है, तो हमें -1 कहाँ पे दिखेगा, यहीं पे, यही है ना -1। अब ये रहा -1 और हम लोग जब 5 को देखेंगे तो 5 -1 के किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है ना। तो यानी कि जो नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा, छोटा। तो 5 लेफ्ट साइड में है तो 5 क्या है, स्मॉलर हो गया। तो बस ऐसे कंपेयर करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग अगली वीडियो में आगे कर, इससे आगे पढ़ेंगे इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।